देश में जजों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जस्टिस कई बार इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने इस समस्या के समाधान का नया फॉर्मूला तैयार किया है। जस्टिस रंजन गोगोई के मुताबिक अब वर्किंग डेज में किसी भी जज को छुट्टी नहीं दी जाए, यानी सप्ताह के जिन दिनों में कार्यालय खुले रहते हैं उन दिनों जजों की छुट्टी नहीं होगी। देश की विभिन्न अदालतों में करीब 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। जिला अदालतों में 2,08,00,000 मामलों की कोई सुनवाई के लिए जज नहीं है। वहीं हाई कोर्ट में 40,00,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय में देखें तो यहां 58,000 मामले पेंडिंग है। न्यायपालिका की स्थिति को लेकर पिछले दिनों नवनियुक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि देश भर में इतने जज और वकील नहीं हैं जितने केस कोर्ट में लंबित हैं। वही अब चिंता जाहिर करने के साथ साथ उन्होंने जजों और वकीलों की कमी को दूर करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अब वर्किंग डेज में किसी भी जज को छुट्टी नहीं दी जाएगी, यानी सप्ताह के जिन दिनों में कार्यालय खुले रहते हैं उस दिन जजों की छुट्टी नहीं होगी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक CJI जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पदभार संभालने के बाद ही विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट के सभी मुख्य न्यायाधीशों को इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि अदालतों में कार्यरत सभी जज नए दिशा निर्देशों का पालन करें। आपको बता दें कि पिछले दिनों जस्टिस रंजन गोगोई ने लंबित केसों के निपटारों को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अदालतों में काम के दिनों में जजों को LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को साल में 3 बार LTC के तहत छुट्टी लेने की सुविधा मिलती है। वहीं सरकार अधिकारियों यानी ब्यूरोक्रेसी से जुड़े अफसरों को 4 साल में 2 बार LTC के तहत अवकाश लेने की सुविधा मिलती है, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई ने अब इन छुट्टियों को रद्द करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इस फॉर्मूले के बाद न्याय व्यवस्था में कितना सुधार होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।